Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching ITAdda. आज का वीडियो थीम काफ़ी स्पेशल है माई डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट का आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। गूगल ने कुछ चेंजेस किए हैं पिछले दिनों, काफ़ी ईजिली आप अपने जीमेल का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लेते थे, बट अभी जीमेल ने कुछ चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस के बिहाव पे आपको जीमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बट आज के बाद आप इस वीडियो के थ्रू जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप बहुत ही इजी वे में किसी भी पर्टिकुलर जीमेल आईडी का आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप अपना जीमेल अकाउंट जो है वो ब्राउज़र पर लॉग इन कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा जीमेल अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है। अब यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर टॉप पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पॉप ऑब्लिक आईमैप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पॉप डाउनलोड वाले ऑप्शन में इनेबल पॉप फॉर ऑल मेल्स को चेक करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे आईमैप, यदि आपका डिसेबल है तो इसको इनेबल कर लेना है। सेव चेंजेस करके यहाँ से आपको एग्जिट होना है। दूसरी सेटिंग आपको करनी है, आप अपने जीमेल की प्रोफाइल पिक के पिक पे क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज आएंगे, इसमें आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपने ईमेल अकाउंट पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल ऑन कर लेंगे, जो कि अभी ऑफ है। तो पहली सेटिंग है कि आप अपने ईमेल पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। स्टेप टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली जिस पर्टिकुलर फ़ोन पे आपका ईमेल चल रहा होगा उस फ़ोन को डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर लेगा। कंटिन्यू करना है आपका, बेसिकली पहले से यदि आपने मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिया तो आपको यहाँ देना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को अपने ईमेल के साथ आप अटैच करना चाहते हो, तो वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे विद कंट्री कोड। और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा, जैसे ही सेंड करेंगे आपको एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, वो आपका एज अ वेरिफिकेशन कोड होगा और वो वेरिफिकेशन कोड आपको अपने कंप्यूटर पे बेसिकली मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कोड ये पूछ रहा है। तो कोड कन्फर्म करेंगे, कोड कन्फर्म करने के बाद आप 2 3 आप कोड कॉन्फर्म करने के बाद बेसिकली ये वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद आप यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे आपका स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, ठीक है। स्टेप टू वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद आपको वापस बैक जाना है, ठीक है। सिक्योरिटी मेन्यू पे रिटर्न जाना है। सिक्योरिटी मेन्यू पे रिटर्न जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा है, गूगल सर्च अकाउंट। यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब ऐप पासवर्ड यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे ऐप पासवर्ड में ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऐप पासवर्ड सिक्योरिटी करके, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऐप पासवर्ड्स का विजार्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऐप वाले कॉलम में जाके बेसिकली यहाँ पे कस्टम नेम करना है। कस्टम नेम करने के बाद यहाँ पे आपको आउटलुक टाइप करना पड़ेगा। आउटलुक टाइप करेंगे, आउटलुक टाइप करके यहाँ पे जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे आउटलुक आपके लिए एक अलग से पासवर्ड जनरेट कर देगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इसी पासवर्ड को यूज करते हुए आप अपने आउटलुक पे ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये विजार्ड क्लोज नहीं करना है, क्लोज करने से पहले आप ये पासवर्ड कॉपी कर लेंगे, नहीं तो एक बार ये पासवर्ड चला जाएगा तो आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। सो इस विजार्ड को मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पे आप विंडोज़ में यदि आपके एमएस ऑफिस इंस्टॉल है तो नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लें, 7, 10, 13, 16, 19, 365 व्हाटएवर, जिस किसी भी एमएस ऑफिस के फेमिलियर हैं आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे आउटलुक आपको सर्च करना है। जैसा कि मेरे कंप्यूटर में अभी बेसिकली यहाँ पे ऑफिस 2010 है, आगे के जितने भी अपग्रेडेड वर्जन हैं एमएस ऑफिस के सारे बेसिकली वर्जन्स पे मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ कि आप आउटलुक
10 के बाद 13 पे, 16 पे, 19 पे, 365 पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो आगे की वीडियो सीरीज़ होंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं 2010 यू नो आउटलुक 2010 पे आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट लुक ऐसा आने वाला है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये कह रहा है कि आपके पास ईमेल अकाउंट है, बोलो येस आई हैव, येस पे चिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट देना है, योर नेम, योर नेम इज सपोज ITAdda एंड योर ईमेल एड्रेस इज, जो भी आपका ईमेल आईडी हो आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेसिकली मेल आईडी को फिल कर रहा हूँ, और URL के साथ देना है, मीन्स @gmail.com के साथ जाना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी फिल कर दिया है। मेल आईडी फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। तो बेसिकली आपको पासवर्ड ये वाला देना है, आप अपनी मेल का जो एक्चुअल पासवर्ड है उसको कहीं इस्तेमाल में नहीं लेंगे आउटलुक के दौरान, आप ये वाला पासवर्ड फिल करेंगे तो आप ईजिली जो है आउटलुक कॉन्फिगर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये एक नए चेंजेस हैं। पहले हम अपनी अपनी ईमेल का जो पासवर्ड होता था एक्चुअल पासवर्ड, उसको आउटलुक कॉन्फ़िगरेशंस के टाइम पे यूज़ करते थे, बट गूगल ने कुछ चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्टी ऐप पे किसी भी पर्टिकुलर यू नो इनके जीमेल को एक्सेस करने के लिए आपको इनके द्वारा जनरेट किए गए पासवर्ड को यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने ये वाला पासवर्ड फिल किया जो जीमेल ने बेसिकली मुझे दिया है कि आप इस पर्टिकुलर पासवर्ड के थ्रू जो है आप अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने वही पासवर्ड यहाँ पे दिया है, और आप भी गलती ना करें, आपको यही पासवर्ड देना होगा, आपके ईमेल का पासवर्ड यहाँ नहीं चलने वाला है, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे ये इस्टैब्लिशिंग कर रहा है, कनेक्शन इस्टैब्लिश हो चुका है। मेरे ईमेल अकाउंट को अब ये सर्च कर रहा है जीमेल के डेटाबेस पे, यदि मिलता है प्रॉपर तरीके से तो ये कॉन्फ़िगर कर देगा। तो ये सर्चिंग ऑप्शन थोड़ा हो सकता है लेंदी हो, बट चूंकि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वगैरह प्रॉपर सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए, ये जरा सा भी मिस्टेक है तो ये आपका ईमेल जो है वो सर्चिंग में नहीं आएगा। ये नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे आपको एरर फेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ लिटिल बिट चेंजेस किए हैं बेसिकली जीमेल ने सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि यदि आप जीमेल आईडी को थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च में मेल आईडी प्रॉपर वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पे लॉगिन कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शंस जो है वो चिक हो गए हैं। यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है, तभी आप समझो कि आपका आउटलुक प्रॉपर कॉन्फिगर हुआ है, अदरवाइज आपके पास एरर्स हैं कुछ। जैसे आप फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद ये आउटलुक का विजार्ड एक्सप्लोर हो जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी मेल्स डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं नीचे ये इसका जो टास्क बार आ रहा है, वहाँ पे डाउनलोडिंग फोल्डर्स आ रहे हैं, रिसीविंग्स मेल शुरू हो गई हैं। तो जितनी भी मेल्स आई हैं वो हमारे आउटलुक पे बेसिकली रिसीव हो रही हैं। अराउंड 500 कुछ मेल्स थी इस पे जो हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली रिसीव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट का, किसी भी जीमेल आईडी का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो ईजिली आप अपने किसी भी पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट को इस नई सेटिंग्स के थ्रू ईजिली आप अपने मेल का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन चेंजेस को आपको समझना पड़ेगा तभी आप ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको, यदि आप किसी भी जीमेल अकाउंट का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आपको ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको सर्व कर सकते हैं, और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव